वेलकम टू मॉम्स किचन। आज हम लोग बनाएंगे आलू और पपीता की एक हेल्दी सब्जी। चलिए बनाना शुरू करेंगे आलू और पपीता की सब्जी। पपीते के पूरे छिलके को हम लोग अच्छे से उतार लेंगे। देखिए पपीते को हम लोग इस तरह से टुकड़ा टुकड़ा कर लेंगे और इसको हम लोग छोटे छोटे डाइस पे काटेंगे। देखिए बहुत ज़्यादा मोटा मोटा हम लोगों को नहीं काटना है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं काटना है। देखिए इस तरह से, ये देखिए इसके पीसेस में आपको दिखाऊं तो ये देखिए इस तरह से हम लोग सारे पपीते के टुकड़ा करके तैयार कर लेंगे काट के। पपीतों को मैंने इस तरह से टुकड़े टुकड़े में काट लिया है। अब हम लोग आलूओं को भी इसी तरह से टुकड़े टुकड़े में काट के इसी में मिला लेंगे। आलूओं को भी हम लोगों ने ऐसे ही डाइस करके काट लिया है, थोड़ा सा पपीते से बड़ा, क्योंकि पपीता पकने में काफ़ी समय लेता है इसलिए, वरना आलू आपकी मेल्ट हो जाएगी। तो इसीलिए पपीते का जो साइज़ आप रख रहे हैं तो उससे आलू थोड़ा सा बड़ा। चलिए अब हम लोग इसको धो के अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। जो पपीता और आलू है उसको बहुत अच्छे से हम लोगों ने पानी से वॉश कर लिया है। अब हम लोग कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिए हैं। जैसे तेल गर्म हो जाए उस पर हम लोग डाल लेंगे आधा टीस्पून से थोड़ा कम सौंफ और थोड़ी सी 10 से 12 जो मेथी के दाने होते हैं वो, और साथ में डालेंगे हम एक तेज पत्ता इस तरह से टुकड़ा करके। जैसे ये क्रकल कर जाएगा तो हम लोग इसमें पपीता और आलू जो टुकड़े में काट के रखे हुए हैं वो सब इसमें डाल लेंगे। देखिए इस तरह से सारे पपीता और आलू आप इसमें डाल लें और इसको अच्छा सा चला लें। अच्छे से मिक्स कर देंगे। जो सौंफ और मेथी के जो फ्लेवर्स हैं ये सारे पपीते और आलू में कोट हो जाएंगे अच्छे से। अब इसके बाद हम लोग इसमें डाल लेंगे हल्दी का पाउडर। और साथ में डालेंगे हम लोग नमक, नमक स्वाद अनुसार। अब नमक और हल्दी डालने के बाद ये जो पपीता और आलू है इसको हम लोगों को फ्राई करना है। हम लोग अच्छे से मिला देंगे इसको पहले और उसके बाद थोड़े थोड़े देर में इसको चला चला के हम लोग फ्राई करेंगे। मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, देखिए ये आलू और पपीता जो है वो हल्का लाल लाल पड़ने लगा है। इसी तरह से हमको थोड़ा सा और चला के इसको भूनना है। थोड़ा सा ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो हम लोग इसमें बाकी मसाले ऐड करेंगे। इसको और 2-3 बार हम लोग इसी तरह से पलट पलट के आगे पीछे, जब एक तरफ अच्छे से फ्राई हो जाए फिर दूसरी तरफ पलट ले, इस तरह से बार बार उल्टी पलटी करके इसको हम लोगों को पकाना है। ये दोनों तरफ से अच्छा सा लाल फ्राई हो गया है, ये देखिए मैं क्लोज अप को दिखा रही हूँ। देखिए अब इसमें हम लोग मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम लोग डालेंगे 1 चम्मच भर के अदरक। ये अदरक का पेस्ट है, आप चाहें तो अदरक को पीस के भी डाल सकते हैं। साथ में हम लोग डाल लेंगे 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मिर्ची का पाउडर। तीखा आप अपने हिसाब से डालें, जितना तीखा आप पसंद करते हैं उस हिसाब से डाल लें। और साथ में डालेंगे 1 बड़ा चम्मच जीरे का पाउडर। और इन सारे सामग्रियों को हम लोग एक साथ मिला के फिर से इसके साथ भुनेंगे। देखिए इस तरह से हम लोग थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल लें ताकि मसाला जो है वो आपका गले नहीं, क्योंकि आलू और पपीता दोनों ही सूखी चीज़ है, इसमें पानी है नहीं, तो इसी कारण से हम लोगों ने हल्का सा पानी डाला है ताकि मसाला जो है वो जल ना जाए। अब इसी तरह से थोड़ा सा हम लोग चलाते हुए इसको भून लेंगे, अच्छा सा फ्राई करें। ये अच्छा सा फ्राई हो गया जो मसाला है, देखिए अब इसमें हम लोग डाल देंगे पानी। पानी आप उतना ही मिलाएं जितना के इन सब्जियों को पकने के लिए चाहिए, क्योंकि फ्राई होते हुए सब्जियां थोड़ा सा पक गई है और थोड़ा सा हम लोगों को पकाना है और थोड़ी सी हमको ग्रेवी चाहिए, तो बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता है नहीं।
तो उसी हिसाब से डालें और इसको ढक दें ताकि पपीता आलू नरम पड़ जाए। ये जो मैंने पानी इसमें डाला हुआ था देखिए बहुत रिड्यूस हो गई है। एक काट के भी आप देख लीजिए, देखिए सब्जी पका है कि नहीं आपको पता चल जाएगा। देखिए इस तरह से आप दबा के देख लें, कट जा रही है तो आपकी सब्जी डन है। अब अगर आपको थोड़ा सा ग्रेवी कम चाहिए तो आप थोड़ा सा और सुखा लें इसको। मेरे को इतनी ग्रेवी की आवश्यकता है तो इसीलिए मैं इतनी ग्रेवी रख रही हूँ। अब इसमें हम लोग मिला लेंगे जो गरम मसाला होता है, वो गरम मसाला जो रेडीमेड गरम मसाला मार्केट में मिल जाता है वही गरम मसाला है ये। और साथ में डालेंगे हम लोग इसमें एक चम्मच डेढ़ चम्मच के आसपास घी। ये देसी शुद्ध गाय का घी है जो मैं यूज़ कर रही हूँ। अब इन सारे चीज़ों को पूरे सब्जी में अच्छे से मिला लेंगे। देखिए इस तरह से अब इसको हम लोग उतार लेंगे क्योंकि इसको थोड़ा सा मेरे को ग्रेवी वाली चाहिए। ये बहुत ज़्यादा मतलब ऑयली स्पाइसी नहीं बनता है, मीडियम बनता है। घर में हेल्दी सब्जी बनाने के लिए ये है, तो आप भी बनाएं और बताएं ज़रूर कि कैसा बना। चलिए हम लोग इसको उतार के सर्व कर लेते हैं। बनके तैयार है आलू और पपीते की हेल्दी सब्जी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो नए विजिटर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।